नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खालिस्तानी गुंडों की एक और बहुत ही बेहुदा हरकत, जहां पर उन्होंने एक सिख बच्ची के साथ भी व्यवहार किया और बातें की। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे सभी लोगों की हकीकत पता चलती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ खालिस्तानी एक गुरुद्वारा के बाहर कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है। अपने विचारधारा के हिसाब से हर कोई अपनी बात रख सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, इससे कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन लोगों ने भारत के झंडों को अपने पैरों के पास ज़मीन पर रखा हुआ है। उसी समय एक सिख परिवार जिसमें दो बच्चे यानी कि एक लड़का एक लड़की, उसके पिता और उनके दादा निकल रहे थे, जिनमें से उसके पिता ने हिंदुस्तान के झंडे को उठाने की कोशिश की, तो उसके साथ सबसे पहले इन खालिस्तानी गुंडों ने हाथापाई की और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, उन लोगों को गालियाँ दी और बाद में उसमें जो बच्ची थी उसके साथ इतनी घटिया किस्म की बातें की कि वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी बातों से और इनके व्यवहार से ये चीज़ एकदम ही स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरह से हमास को गाजा के आम नागरिकों की कोई भी परवाह नहीं है, उनको मुसलमानों की परवाह नहीं है, उनको सिर्फ यहूदियों से लड़ना है, उसी तरह से इन खालिस्तानी कुत्तों को भी सिखों से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है जो उनको सर्व करना है, अदरवाइज वो इन सिखों के साथ अच्छे से वार्तालाप कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उसकी जगह इन्होंने उनके साथ हाथापाई करना ठीक समझा, जिसमें एक वृद्ध भी थे और बच्चे भी थे, जिसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट को, जस्टिन ट्रूडो को और हगमीत को तुरंत ही कार्यवाही करनी चाहिए। इन उग्रवादियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। हमारी भारत सरकार से भी ये गुजारिश है कि कनाडा को जब तक ऐसे प्रोटेस्टर्स को वो बंदी नहीं बनाते, वो जेल में नहीं डालते, तब तक कनाडा के साथ सभी व्यवहारों को बंद कर दिया जाए। और कनाडा में रह रहे सभी भारतीयों को ये अनुरोध है कि सुरक्षित रहें, कम्युनिटी बनाए, उस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि इन लोगों के साथ आप काउंटर कर सकें। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन लीगल वे में हम इन लोगों को काउंटर ज़रूर कर सकते हैं। तो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और उस तरफ आगे बढ़ने में जो भी एक्शंस, चाहे वो पॉलिटिकल एक्शंस हों या कम्युनिटी गैदरिंग्स हों, वो सभी एक्शंस लें। भारतीय हर एक जगह पर जाके अच्छे से एसिमिलेट होते हैं, सबके साथ मिलजुल के घुल मिल के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि वो उस देश के लिए भी जो बहुत ही लाभदायी होता है। इसी वजह से भारतीयों की आज पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है, जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही नहीं बल्कि आम भारतीयों की वजह से भी है। ये जो हादसा हुआ कनाडा में गुरुद्वारा के बाहर, उसका पूरा क्लिप हम आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी समझ पाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों। तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी और ख़ास करके भारत के बाहर रहने वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इन खालिस्तानी उग्रवादियों की हकीकत सबको पता चल सके। आजो आजो भी यहाँ पे छोड़, ये मोर्चा लगा रहना है। हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद करा देंगे ठोक के, करा देंगे ठोक के, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बना फक बात तो इंडियन काउंसिल लांती हो लांती तुही लांती लोग मरी हुई जमीर इना दी मरी लख लान तड़े लख लान फक यू लख लान तड़े पगा में पगा जी सर बसाए होया पगा जी सर बसाए लख लान लख लान लख लान लख लान तेरी भैन का तेरी भैन मर रहे होया तेरी भैन मर रहे होया तेरी भैन ना है तेरे भैन रहे होया तेरी भैन ना तेरी भैन का बलात्कार होया तेरे भैन तू तो भरा मारे तेरे भरा मारे तेरी मां ने रेप होया तेरी मां ने रेप होया तेरी मां ने रेप होया होया फक यू मैन सब कुत्ते हाले हिंदुस्तानी कुत्ते हिंदुस्तानी कुत्ते लख लान लख लान तो तेरे गोलियां मार के गया ग्रुप कर फिर लान दिया शर्मा ने कह दी तानू सरकारा दे नाल रले होए हो झंडे हाथ क्यों लाए ने झंडे हाथ क्यों लाए ने मेरी दस्तार लखन लगी झंडे हाथ कितना लाए वो झंडा कातल है साडा पत्तर कातल ने यह झंडा साडा कातल साडिया तिया भेंडा दी इज्जत लुटन वाला गंदा झंडा कातल भारतीय सरकार कातल छोटे छोटे बच्चे जनानी है तू भैन सुद कितना कहनी तेरा बलात्कार होया तेरा बलात्कार होया इंडिया च बीवी बंदे बलात्कार करते इंडिया च दो साल की बच्ची का रेप मरी दो साल की दो साल की बच्ची का रेप दो साल बच्ची का रेप तेरी धी का रेप होया तेरी धी का होया मेरी मां का रेप होया भैन च ढाडा रेप हो तुम पता लगे एने गल च टहर पाया क्या ने तीन लख बंदा हाला मारिया उन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद भारतीय जनता मुर्दाबाद हिंदुस्तान 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 जय हिंद।